जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने रायपुर में राष्ट्रीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। प्रदेश में मिठाई दुकानों की जांच जारी, कोंडागांव में 15 दुकानों के लिए गए मिठाइयों के सैंपल। और केंद्र सरकार की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की पहल, आज से किसानों को हर घंटे मिलेगा मौसम का अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं लीना साहू। अब समाचार विस्तार से। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वे व्यापार, हरित ऊर्जा, द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर शोल्ज 25 अक्टूबर को 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। ICG परामर्श के दौरान चांसलर शोल्ज के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद होंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि शोल्ज पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के नेता सुरक्षा और रक्षा सहयोग, प्रतिभा के लिए अवसरों, आर्थिक सहयोग, हरित और सतत विकास, साझेदारी और उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के विकास के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। दोनों नेता 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद जर्मन चांसलर 26 अक्टूबर को गोवा के लिए रवाना होंगे, जहां जर्मन नौसेना का फ्रिगेट बेडेन बुटेनबर्ग और लड़ाकू सहायता जहाज फ्रैंकफर्ट एम मैन जर्मनी की इंडो पैसिफिक तैनाती के हिस्से के रूप में एक निर्धारित बंदरगाह पर रुकेंगे। जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार के पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के फैसले पर भगवान बुद्ध के विचारों में विश्वास करने वाले लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के एक सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि वे श्रीलंका की राजधानी में पाली एक शास्त्रीय भाषा विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं के आभारी हैं। इस पैनल चर्चा का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किया था। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में अनेक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का रिकॉर्ड टूटेगा। आयोजन है, आने वाले 2-3 दिनों तक चलने वाला है। यहाँ प्रदर्शनी का भी आयोजन है, विभिन्न तरह के जो कृषि संयंत्र हैं उनका यहाँ पर स्टॉल लगा है और निश्चित रूप से ये किसान मेला और ये प्रदर्शनी हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि जगत में विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले प्रदर्शनी के पहले दिन यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसके तहत युवाओं के लिए जॉब फेयर, अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन फेयर, स्टार्टअप मीट और एकेडमिया इंडस्ट्रीज मीट आयोजित किए गए। जॉब फेयर में लगभग 2000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न कृषि क्षेत्रों में विद्यार्थियों का साक्षात्कार लेकर 85 विद्यार्थियों को जॉब ऑफर प्रदान किया गया। वहीं इंडस्ट्री एकेडमिक मीट के तहत कृषि में अनुसंधान और विकास पर 10 कंपनियों तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के प्राध्यापक व वैज्ञानिकों के बीच चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कैंप कार्यालय बगिया के फरसाबहार विकासखंड के ग्राम जोरंडा झरिया ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम भेलवा में यूको बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 40 स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों को 24 लाख का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की दृष्टि से यह कदम महत्वपूर्ण है। इससे फरसाबहार और उसके आसपास के ग्रामीणों को बड़ा लाभ मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी सहूलियत होगी। स्थानीय निवासियों को बैंक से जुड़े दैनिक कार्यों के लिए अब और अधिक सुविधा मिल सकेगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कोरबा में जिला पुनर्वास समिति की बैठक ली। श्री साव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के सभी सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों के अधिकारी मौजूद रहे। करीब 7 साल बाद हुए जिला पुनर्वास समिति की इस बैठक में SECL और NTPC द्वारा अर्जित भूमि के लंबित मुआवजे और पुनर्वास की जानकारी ली। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि जिले की समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की सतत मॉनिटरिंग के साथ ही गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों को कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि जिला पुनर्वास समिति की बैठक में सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारियों को लंबित मुआवजा और नौकरी के प्रकरणों की समय निपटारे का निर्देश दिया गया है। जिला पुनर्वास समिति की भी बैठक हमने की है। पुनर्वास से संबंधित सारी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की है और संबंधित कंपनियों को भू विस्थापितों के समस्याओं का शीघ्रता पूर्वक निराकरण करने के लिए निर्देशित किया है। देखिए 2017 के बाद आज तक जिला पुनर्वास समिति की बैठक नहीं हुई थी। हमारी मंशा है कि भू विस्थापित और पुनर्वास की समस्याओं का निराकरण हो और इसलिए हमने ये बैठक की है। हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सके इसका निराकरण करें और अगली बैठक से पहले सारे मामलों को निराकरण की कोशिश करें। कोरबा प्रवास के दौरान ही श्री साव यहां आयोजित आवास मेला में भी शामिल हुए। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में 16 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास के पात्र हितग्राहियों का आवास की चाबी भेंट की। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड स्थित ग्राम चंदेली में जिला स्तरीय जल समस्या निवारण शिविर और कौशल पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर राहुल देव ने इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया, साथ ही आमजनों को पात्रानुसार योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश संबंधी अधिकारी को निर्देश दिए। शिविर में मांगों और शिकायतों से संबंधित 700 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 35 आवेदन का मौके पर निराकरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि गांव के विकास में सभी की भूमिका होती है, सभी के सहयोग से बेहतर कार्य करेंगे। कलेक्टर ने शाला त्यागी बच्चों की समस्याएं भी सुनी और उनकी समस्याओं का त्वरित निदान नहीं करने पर संबंधित BRC को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश SDM डोरमी को दिए। उन्होंने युवाओं को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की। त्योहारों में मिठाइयों की बढ़ती खपत को देखते हुए प्रदेश भर में मिठाइयों और खोए सहित अन्य डेयरी उत्पादों की जांच की जा रही है। कोंडा गांव में भी इसी कड़ी में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग विभिन्न मिठाई दुकानों की जांच कर रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार देवांगन ने बताया कि अब तक 15 से अधिक दुकानों की जाँच की गई है, जिनमें से लिए गए 65 नमूनों को जाँच के लिए भेजा गया है। त्योहारों के नजदीक आते ही मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है, जिसे पूरा करने हैं तो मिठाई व्यापारी जो है अधिक से अधिक मिठाई बनाने के चक्कर में मिठाई की गुणवत्ता के साथ लापरवाही करते हैं। इसके साथ ही बाहर से दूध और खोवा भी मंगाया जाता है, जिसमें मिलावट होने की आशंका रहती है। इसे ही जांचने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मिठाई दुकानों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से अभी तक कुल 15 प्रतिष्ठानों से 65 खाद्य नमूनों की मिठाइयों की जांच की गई है। फिलहाल मिलावट का कोई प्रकरण अभी तक सामने नहीं आया है, परंतु मिठाई की अन्य पैमानों पर गुणवत्ता जांचने के लिए नमूने लेकर के राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। अभी तक हमने कुल 7 नमूने लेकर के जाँच के लिए भेजे हैं।
उन्होंने कहा कि दीपावली के मद्देनजर इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिल सके। गरियाबंद शहर में नेशनल हाईवे क्रमांक 130 के आसपास के आवासीय परिक्षेत्र में कुछ समय से तेंदुआ देखा जा रहा है। इसे लेकर स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है और वे चाहते हैं कि वन विभाग तत्काल इस पर कार्रवाई करे। मिली जानकारी के मुताबिक गरियाबंद के कुछ वार्डों में लगे सीसीटीवी कैमरों में रात में तेंदुआ दिखाई दे रहा है। वार्ड नंबर 1 के पार्षद संदीप सरकार का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तेंदुए की निगरानी कर उससे उसके स्थायी रहवास में भेजने का प्रबंधन किया जाना चाहिए। भयभीत लोग हैं हमारे आसपास के और मैं शासन और प्रशासन से दोनों से चाहूँगा कि कम से कम इस तेंदुए के जो भय है आसपास में उससे राहत दिलाने के लिए कम से कम ड्रोन के माध्यम से उनकी जांच की जाए कि उनको बच्चा क्योंकि मादा है या नर है इसकी जानकारी इस ड्रोन कैमरे से ही पता चलेगी और ड्रोन कैमरा लगा करके उसकी जांच की जाए कि वो नर है या मादा क्योंकि वो शहर में घुस रही है। आज उसको जानवर पर्याप्त मात्रा में शहर के अंदर मिल जा रहा है अपने भोजन के लिए, वो कुछ दिन के बाद में और भी शहरों में घुसेगी और जिसके कारण से आमजनों को बहुत नुकसान हो सकता है और भय का माहौल है हमारे वार्ड में। निश्चित तौर पे शासन और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस तेंदुए को पकड़ना चाहिए। क्या ये फिलहाल लोग शाम और रात को बाहर निकलने के दौरान सावधानी बरत रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े कारीगरों के उत्थान की दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना के तहत अब कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चौक मिलने से इस बार दीपावली में कम समय में ज्यादा उत्पाद बनाकर अच्छा मुनाफा कमाने को लेकर कुम्हार उत्साहित हैं। आकांक्षी जिला कोरबा में भी दीपावली को लेकर बाजार सज गया है। विभिन्न तरह के दिए आकर्षक तरीके से सजाए गए हैं। सीतामढ़ी कुम्हार बस्ती में दीपावली को लेकर बड़े पैमाने पर दिए बनाए गए हैं। कुम्हारों ने बताया कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल की अपील के बाद एक बार फिर लोगों में पारंपरिक मिट्टी के दिए की खरीदी को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। कुम्हारों का कहना है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत पारंपरिक व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक चौक मिला है। ये समझिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल निकाले हैं उसका हम लोगों को बहुत ही फायदा होगा दिवाली में। क्या-क्या बनाते हैं? हम लोग दिया बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, कलश भी बनाते हैं, गमले वगैरह है, जितने भी मिट्टी का पूजा पाठ से लेकर के मटका हुआ, पानी पीने का सुराही हुआ और गमले वगैरह हर चीज़ बनाते हैं। बहुत सी सुविधा मिल रहा है, शरीर पर आराम भी मिलता है और कम समय में ज़्यादा काम होता है। दिवाली में तो छोटा छोटा दिया बनाएंगे, बड़ा भी दिया बनाएंगे, करवा बनाएंगे और धूपदानी है और बड़ा दिया है, अभी तक करीब 10,000 बन गया है। इस तरह कुम्हार के हाथों के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बने दिए लोगों को लुभा रहे हैं। केंद्र सरकार आज से ग्राम पंचायत स्तर पर हर घंटे मौसम का अपडेट देगी। पंचायती राज मंत्रालय आज ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा शुरू करेगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों को 5 दिनों का दैनिक मौसम पूर्वानुमान मिलेगा। मौसम की पूर्व सूचना से किसान अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकेंगे। दरअसल खेती किसानी और आपदा प्रबंधन में मौसम पूर्वानुमान का बहुत ज्यादा महत्व है। समय रहते मौसम का पूर्वानुमान मिल जाने से किसान अपनी फसलों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। इसी तरह आपदाओं के प्रबंधन में भी मौसम पूर्वानुमान की महत्वपूर्ण भूमिका है। मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से शुरू की जाने वाली मौसम पूर्वानुमान सेवा से ग्राम पंचायतें प्रति घंटे मौसम पूर्वानुमान की जांच कर सकेगी। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में आज ये सेवा शुरू की जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय के 100 दिनों के एजेंडे के हिस्से के रूप में यह पहल जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत बनाने, दीर्घकालिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, ग्रामीण आबादी को अधिक जलवायु अनुकूल बनाने और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर साबित होगी। वहीं मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय का आधिकारिक ऐप है जो नागरिकों को स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने और अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाने की अनुमति देकर सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। ग्राम मानचित्र भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य उन्नत भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण शासन के डिजिटल परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।